जाता, कोई भी काम करते थे तो सर सर मुझे बोलना आसान है लेकिन पैसा लाना बहुत मुश्किल है। हाँ तो सर जब आपको इतना समझता है ना तो पहले ये समझ लेना था कि भैया मेरे पास अभी जॉब नहीं है तो मैं पैसा लूंगा तो फिर भरूंगा कहाँ से, है ना सर। सर तो हम अपना सिविल दिए हैं, यदि सिविल उस समय मेरा खराब रहता तो क्या कंपनी लोन देता, नहीं बताइए पहले। सुनो ना, जब आपको इतना पता है कि मेरे पास पैसा आने वाला नहीं है, मैं नहीं भरूंगा, ठीक है, मेरे पास मैं नहीं भर सकता, तो फिर मिलना ही नहीं था ना। क्यों नहीं, कौन कौन चाहता है, कोई भी लोन लिया जाता है जब इमरजेंसी रहता है तभी लिया जाता है। हाँ तो फिर जब आपको हम टाइम पे अगर पेमेंट नहीं करवाते, लोन नहीं देते थे, तो आप क्या बोलते थे कि ये तो डिफॉल्टर है, ये कंपनी सही नहीं है, लेकिन हमने तुम्हारे को टाइम टू टाइम पेमेंट दिया, इसके पहले भी तुमने पेमेंट किया है। मैं जान सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी जो लेट फीस है ना, मैं लेट फीस कम करवा देता हूँ, पेमेंट करवा के आप वापस से नया लोन ले लो। मैं लोन मेरा अब मिलेगा नहीं, ये मेरा पूरा डिसमेंट मालूम है, ठीक है। सुनो ना सर, देखो आपसे झूठ बोल के कोई नहीं करूंगा मैं, कोई मेरे को मतलब नहीं है और ना ही मेरे को कुछ पैसा मिलने वाला है आपसे झूठ बोल के, ठीक है। अगर आपको पेमेंट करना है तो एक काम कीजिएगा, जो आपको तेरा, सुनो ना मेरी बात सुन लो पहले, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो पहले, ठीक है, मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप पेमेंट करवाते है ना तो जो 9422 रुपए आपका टेकन लोन अमाउंट था, 12940 रुपए हो गया, यानी कि वो 13000 रुपए हो गया है। पेमेंट करवाते हैं तो मैं लेट फीस कम करवा देता हूँ, पेमेंट करवा के तुमको ऑन कॉल नया लोन दे देता हूँ, ये मेरी जबान है, तुम्हारा सामान नहीं हूँ सर, टाइम देने के बाद पेमेंट नहीं करूंगा। मैं क्या बता रहा हूँ, आपका जुबान बोल रहा है ठीक है, हाँ, लेकिन हम 10126 रुपए में आपका लोन पूरा क्लोज करवा दूंगा। मैं क्या बता रहा हूँ, ऐसे लोन एप्लीकेशन में मैं 2-3 टूम में फंस चुका हूँ। अरे सर देखो, अगर आपको नहीं विश्वास होता ना तो हमने, देखो आप पे अगर हमको विश्वास नहीं रहता ना तो हम आपको पैसा नहीं देते थे, ठीक है। और आपका दो तीन कंपनी से लोन चालू है ना, देखो वो भी चुका दूंगा, आपकी लिमिट भी ऐसे इंक्रीज करवा देता हूँ, और आपको पेमेंट नया मैं ऑन कॉल फोन पे अगर पेमेंट करवाते ना अभी, तो मैं आपको अभी ऑन कॉल नया लोन दे देता हूँ। सर आपसे झूठ बोल के कोई मतलब नहीं है, मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरा हाँ, मेरा भी जो है ना उतना जानकारी है, उतना अनुभव है, ऐसे नहीं हम लोन लिया हूँ ऐसे। अरे सर जी कैसा है ना, मैं आपको ऑन कॉल वापस नया लोन दे देता हूँ, मैं तुमको झूठ बोल के कोई मतलब नहीं है। देखो आप कैसा है ना, देखो अगर पेमेंट करवाते हैं, मेरे पास इसलिए केस आया है क्योंकि अभी लीगली नोटिस तुम्हारे घर पे आएगी, आ गई होगी, प्रोसेस होगा, उससे अच्छा अगर आप पेमेंट करवा के वापस नया लोन देते तो तुमको। सुनिए हम एक बात बोले, आरबीआई का गाइडलाइन आप लोग का मालूम नहीं होगा शायद। अच्छा अगर आरबीआई के हिसाब से अगर तुम चलोगे ना सर, तो आरबीआई के हिसाब से तुमको पेमेंट भी करना पड़ेगा। आरबीआई ने ये नहीं बोला है कि पैसा लेके बैठ जाओ और पेमेंट मत करो करके, आप मत बताओ मेरे को आरबीआई की गाइडलाइंस, ठीक है, समझ रहे क्या, आप मत बताओ मेरे को आरबीआई की गाइडलाइंस। मैं सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पैसा आऊंगा, मैं पैसा एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट करूंगा, एप्लीकेशन के थ्रू ही करो पेमेंट। सुनो ना, एप्लीकेशन के थ्रू ही करो पेमेंट, मैं देखो मेरे, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे हिसाब से करो, एप्लीकेशन के हिसाब से ही पेमेंट करो, मैं लेट फीस कम करवा देता हूँ, पेमेंट करवा के बाद हम जब पेमेंट करूंगा तब मैं कंपनी से बात करूंगा, जब पेमेंट अभी लगेगा, ठीक है, ठीक है, मेरे को पेमेंट अभी लगेगा पूरा, ठीक है ना। अभी 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 मेरे पास नहीं है। हाँ तो पैसे भी लाओ, तुम कुछ भी करो, मेरे को पैसा लगेगा अभी। हाँ तुमको जो करना है करो, हम कहें जब लीगल नोटिस अभी आ गई है ना, जब अभी प्रोसेस होंगी ना, तो फिर बाद में नहीं बोलना कि मेरे को पेमेंट करना करके लेट फीस जो बोल रहा हूँ पेमेंट कर रहे हो हाँ या ना, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ना, पेमेंट करना है या नहीं करना ये बताओ। नहीं बोले ना, जो करना है करो, हाँ नहीं करना है, हाँ ठीक है ठीक है।